हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास यूपीजी के का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया है, जो कि यहां से हर पेपरों में लगभग 4 या 5 प्रश्न देखने को मिलता है। खास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग यहां से 10 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जा आज के उत्तर प्रदेश की जीके पर और एक नजर डाला जा उत्तर प्रदेश का जीके। उत्तर प्रदेश हेडिंग होगी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और इसी को नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है लखनऊ को। और यही लखनऊ में एकमात्र चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और उत्तर प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 19,98,00,000 है। और यह 2011 जनगणना के अनुसार है, जनगणना के अनुसार। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल,240,928 वर्ग किमी है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। जो कि भारत के क्षेत्रफल का 32,87,263 वर्ग किमी का 7.33% माना गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी की लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। और लखनऊ में एकमात्र चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और उत्तर प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसकी जनसंख्या 19,98,00,000 है 2011 जनगणना के अनुसार। इसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किमी है और भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% माना गया है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें, उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें 80 है, जो कि सभी राज्यों से ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीट, राज्यसभा की सीट 31 है, जो अपने आप में सबसे अधिक है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीट, विधानसभा की सीट 404 है। और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सीट, विधान परिषद की सीट 100 है। और उत्तर प्रदेश दीव सदनी राज्य है, उत्तर प्रदेश दीव सदनी राज्य है। और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में भारत में 4था स्थान प्राप्त किया। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश 4था स्थान है, 4था स्थान है भारत में, भारत में। और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश
आपका पहला स्थान है, पहला स्थान है भारत में, भारत में। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पशु बारहसिंघा है, बारहसिंघा है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है, सारस या क्रौंच है। और यह एक ऐसी पक्षी है जो अपने दोस्त के आदमी प्राण को त्याग कर देती है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय फल, राजकीय फल आम है। तो एक नजर पुनः डाल लीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट सभी राज्यों में सर्वाधिक है, 80 है। और राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा की सीट 404 और विधान परिषद की सीट 100। और उत्तर प्रदेश द्विसदनी राज्य है, यानी कि दोनों सदन यहाँ पे है। क्षेत्रफल में भारत में चौथा स्थान है और जनसंख्या में पहला स्थान भारत में है। और राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच, राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय फल आम है। नेक्स्ट देखिएगा और हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश से पहले नाम संयुक्त प्रांत था और यह नाम 1937 ईस्वी में इसका पड़ा था। और उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम 24 जनवरी 1950 ईस्वी को पड़ा था। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी है। और उत्तर प्रदेश की वर्तमान वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदित्य नाथ जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। और राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने की उम्र 25 वर्ष है, जबकि राज्यपाल के चुनाव लड़ने की उम्र 35 वर्ष है, 35 वर्ष है। और राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत 1937 ईस्वी में पड़ा था। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था 24 जनवरी 1950 को। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और उत्तर प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल और राज्यपाल शपथ प्राप्त करता है राष्ट्रपति से। मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए उम्र न्यूनतम 25 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम वर्ष 35 और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। नेक्स्ट देखिएगा हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू है। उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत जी है और वर्तमान राज्यपाल उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, श्री आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश में कुल जिला 75 है और उत्तर प्रदेश में संभाग या मंडल की संख्या 18 है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का मंडल वाराणसी मंडल है। सबसे बड़ा मंडल वाराणसी मंडल है। वाराणसी मंडल है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपका जनसंख्या में प्रयागराज जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला प्रयागराज और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कुशीनगर है और महात्मा बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला भदोही है। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, पहला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का श्री गोविंद बल्लभ पंत जी, वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। जिला कुल उत्तर प्रदेश में 75 है और संभाग या मंडल 18 उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा मंडल उत्तर प्रदेश का वाराणसी मंडल। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला प्रयागराज इलाहाबाद और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कुशीनगर महात्मा बुद्ध। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला भदोही है। नेक्स्ट देखिएगा और लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश है और काशी विश्वनाथ मंदिर भी उत्तर प्रदेश है। आपका आगरा में फेमस क्या क्या चीजें हैं, तो आगरा में पहली अकबर का मकबरा सिकंदरा के सिकंदराबाद में ही स्थित है। और आगरा का लाल किला
लाल किला अकबर ने ही बनवाया था, अकबर ने ही बनवाया था। अगला हो जाएगा दोस्तों मेरठ, प्रसिद्ध है बल्ले का सामान बनाने के लिए, बल्ले का सामान बनाने के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश की फेमस मंदिर वाराणसी में है। और आगरा, अकबर का मकबरा पूछा जाएगा दोस्तों कहां पे, सिकंदरा में है तो आगरा में। और आगरा का लाल किला किसने बनवाया, अकबर ने। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है, बल्ले के सामान के लिए। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग के लिए। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, ताला नगरी के लिए। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट देखिएगा एक झलक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, और कुल 8 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है, और केवल एक देश स्पर्श करता है। और सर्वाधिक स्पर्श करने वाले राज्य, स्पर्श करने वाले वाले राज्य, ये सब आपका इसमें होगा दोस्तों। सर्वाधिक स्पर्श करने वाले राज्य 4 हैं। तो देखिएगा 8 राज्य कौन कौन उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। तो हो जाएगा दोस्तों आपका राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राज उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या 8 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं या लगे हुए हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश केवल दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी है, और केवल एक देश सटा हुआ है जो कि नेपाल, जो देश है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है। और सर्वाधिक राज्य स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश से 4 राज्य हैं, जो कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन 4 राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक लगी हुई है। पूछा जाएगा दोस्तों भारत की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है, तो सबसे अधिक राज्यों से स्पर्श करती है 8 राज्यों से, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से, और केवल एक देश इसकी सीमा को स्पर्श करता है। और सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य 4 राज्य है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का एक सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जिला, और इसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, कुल 4 राज्यों से लगती है। एकमात्र राज्य, एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, जिनकी सीमाएं 4 राज्यों से लगती है। और उत्तर प्रदेश